नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते। तो आज के रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और यहाँ पे मैंने 3-4 आलू को पील करने के बाद ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू शिमला मिर्च आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते और आज के लाइक का को लगते 1000। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे 3 चम्मच तेल और तेल को हम पहले गरम करेंगे। तेल जैसे गरम हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच सरसों। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा। जीरा और सरसों को हम पहले फ्राई करेंगे। सरसों अच्छे से जैसी चटक जाए हम डाल देंगे यहाँ पे एक बड़े साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। सरसों अच्छे से फ्राई हो गया है, डाल देंगे हम कटे हुए प्याज। प्याज को बस हम 2 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे। डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। दो मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देंगे कटे हुए आलू। डालेंगे हम यहाँ पे नमक स्वादानुसार। और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। एक बार हम मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक आलू और प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। इस तरीके से हम ढक के फ्राई करेंगे ताकि आलू हमारा हल्का सॉफ्ट भी हो जाए, लेकिन बीच में खोल के हम 2 से 3 बार चेक भी करते रहेंगे जिससे आलू प्याज जल ना जाए। 3 से 4 मिनट ढक के आलू प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमने पहले भी डाला था तो हल्दी बिल्कुल कम डालेंगे, 2 पिंच। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। मसाला डाल के हम 30 सेकेंड के लिए पहले हम फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएंगे। तो अब डाल देंगे हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तब तक मसाले हमारा और अच्छे से भून जाएगा और टमाटर हल्का सॉफ्ट भी हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 2-3 मिनट बाद टमाटर जैसे ही हल्का सॉफ्ट हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे कटे हुए शिमला मिर्च। टमाटर को बहुत ज़्यादा हम मैश नहीं करेंगे। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इसके जगह आप गरम मसाले पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी। एक बार हम मिक्स करेंगे और सब्जी को ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक आलू शिमला मिर्च हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आज की सब्जी में हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो लो फ्लेम में हमें सब्जी को ढक के पकाना है और बीच बीच में खोल के हम 2 से 3 बार चेक भी करते रहेंगे जिससे सब्जी कढ़ाई में नीचे ना जले। तो मिक्स करने के बाद पैन को कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो रखेंगे।
5-6 मिनट हो गए और आलू अच्छे से हमारा सॉफ्ट भी हो गया है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद एक बार मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से शिमला मिर्च बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएंगे तो। बस धनिया पत्ते डाल के एक मिनट और सब्जी को ड्राई कर लूँगी। इस सब्जी में मैंने अदरक लहसुन का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहे तो अदरक लहसुन डाल सकते हो। तो एक मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारे तैयार है बहुत ही टेस्टी आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। और ये सब्जी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, यकीन मानिए खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बस आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी की रेसिपी एक बार आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।